Hello guys, welcome back to my channel Scoop Style. This is Manjari Sinha and for today's video I'm gonna review some of the Mamaearth products which I'm using from past 1 month or 2 months. So ये सारे products मैं अच्छे से use की हूँ and उसका experience मैं आज share करने वाली हूँ आप लोगों से. And also मैं Mamaearth का वीडियो जो रिव्यू वीडियो है शायद ये मेरा 5th वीडियो जो मैं बना रही हूँ. इससे पहले भी मैंने बहुत सारे Mamaearth के प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर चुकी हूँ. सो मैं उसका सारा नाम जिसका प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ नाम और उसके साथ उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है Mamaearth का, इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो Mamaearth ब्रांड पे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं यूट्यूब पे एंड बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स को ये ब्रांड पसंद नहीं आ रहा. आई डोंट नो व्हाई. मैं तो किसी ब्रांड के साथ काम नहीं करती हूँ सो आई डोंट नो अबाउट द वर्किंग एक्सपीरियंस. बट जितना भी मैंने उनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं. कुछ मुझे सूट नहीं किए हैं, कुछ मुझे उतने अच्छे नहीं लगे हैं. एंड ऑब्वियसली सारे प्रोडक्ट्स हर ब्रांड के अच्छे नहीं होते. आई थिंक द ओनली रीज़न क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आ रहा ये ब्रांड इज़ दैट कि वो लोग अपना परसेंटेज प्रोडक्ट में कितना इन्ग्रीडियंट है वो अच्छे से डिस्क्लोज नहीं करते, परसेंटेज नहीं डिस्क्लोज करते कि कौन कौन सा इन्ग्रीडियंट्स उसमें जा रहा है. इफ दे कैन चेंज दिस थिंग देन दिस ब्रांड विल be a really good brand. So I'm going to keep all the controversies and all the things aside and I will just share my experience of these products. So the first product is this Mamaearth C3 face mask with charcoal, coffee and clay for healthy and glowing skin. Iska price 599 hai but agar aap ise Mamaearth ke official website se lete ho aur kisi ka coupon code vagera use karte ho to aapko kafi kam mein pad jata hai. And also mujhe ye bolne ke liye koi bhi brand ne ya fir Mamaearth ne pay nahi kiya hai. Ye main just एज अ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. अगर आप नायका से लोगे तो आपको 599 पड़ेगा बट अगर आप Mamaearth की वेबसाइट से लोगे तो आपको थोड़ा कम पड़ेगा. तो आप अगर पैसा बचाना चाहते हो तो आप Mamaearth की वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो. सो ये फेस मास्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इसका जो की इन्ग्रीडियंट है चारकोल, कॉफ़ी एंड क्ले वो काफ़ी अच्छा होता है. ये तीनों इन्ग्रीडियंट आपके पोर्स को अच्छे से क्लीन करते हैं एंड जो एक्ने वाले बैक्टीरिया हैं उसको रिमूव करने में हेल्प कर सकते हैं. एंड अगर आपका पोर्स अच्छे से क्लीन हो और अनक्लॉग्ड हो तो आपका स्किन ऐसे भी अच्छा लगने लगता है. सो दिस इन्ग्रीडियंट्स आर रियली रियली नाइस. और इसको लगाने के बाद ऐसा लगता है कि आपने अभी अभी क्लीन अप करवाया है. सो आई रियली लव दिस फेस मास्क और मुझे बहुत पसंद आया. इसको लगाने पे आपको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन या थोड़ा सा जलन टाइप का होता है. तो अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे थोड़ा दूर रहिएगा या तो आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा बिफोर. अदर देन दैट ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है ड्राई स्किन के लिए, तो खासकर बहुत अच्छा है क्योंकि जनरली क्ले वाला जो मास्क होता है ना वो ड्राई स्किन के लिए नहीं होता है. बहुत ज़्यादा मतलब टाइट कर देता है स्किन को और बहुत ये ड्राई हो जाता है आपका स्किन क्ले मास्क यूज़ करने के बाद. बट ये क्ले मास्क जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला क्ले मास्क है क्योंकि इसमें चारकोल एंड कॉफ़ी है और इसका स्मेल भी मेंथॉल टाइप का स्मेल है. थोड़ा सा स्मेल इसका स्ट्रॉन्ग है तो अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बट मुझे स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि आपका पूरा फेस क्लीन हो गया है, बहुत ही लाइट फील करोगे और थोड़ा सा ग्लो भी लगेगा आपको यहाँ पे. सो ये आई रियली लव दिस फेस मास्क एंड वन थिंग विच आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप Mamaearth के फेस मास्क और हेयर मास्क जरूर जरूर ट्राई करें बिकॉज दे आर रियली रियली अमेजिंग. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस Mamaearth बैम्बू शीट मास्क. इसमें 25 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड ये मुझे 149 का पड़ा जो कि काफ़ी प्राइसी है. मेरे लिए तो काफ़ी प्राइसी है बिकॉज एक सीट मास्क आप एक बार यूज़ करते हो और उस पर आपको 150 रुपीज़ पड़ता है तो आई थिंक इट इज़ नॉट अफोर्डेबल. ये काफ़ी एक्सपेंसिव है सीट मास्क के लिए. एंड जनरली मैं फेस शॉप का सीट मास्क यूज़ करती थी और जब भी वो ऑफर पे आता था 7 पे 7 तभी मैं ऑर्डर करती थी और वो मुझे 50 रुपीज़ ईच का पड़ता था एंड इट इज़ 149 रुपीज़. तो काफ़ी प्राइसी है. इट इज़ बैम्बू शीट मास्क सो आई थिंक इट इज़ लाइक बायोडिग्रेडेबल और ये रिसाइकिल हो सकता है. येस इट इज़ रिसाइकेबल. मैंने मंगाया जस्ट ट्राई करने के लिए और मैंने इसका नियासिनामाइड वाला वेरिएंट यूज़ किया है. ये हाइलुरोनिक एसिड वाला वेरिएंट है जो शायद मैं इसके बाद वीडियो के बाद यूज़ करूँगी. मुझे ये सीट मास्क उतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं लगा. मैं फेस शॉप का जब यूज़ करती थी अगर मैं उससे कंपेरिजन करूँ तो आई थिंक मुझे फेस शॉप वाला ज़्यादा पसंद आया था एंड ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. ये एवरेज शीट मास्क है जो आपको हाइड्रेशन देगा. शीट मास्क से बेटर आप एक अच्छे फेस मास्क में इन्वेस्ट कर सकते हो जो आप ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकते हो एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल भी होता है. ओके आई एम रियली सॉरी फॉर द क्वालिटी ड्रॉप बिकॉज आई एम यूजिंग माई फोन, माई कैमरा बैटरी वॉज गॉन एंड आई हैव टू फिनिश दिस वीडियो.
So the third product is this Mama Earth Face Correct Face Serum with niacinamide and ginger extract for acne marks and scar. It costed me for ₹599. So niacinamide is known for its good properties like minimizing pore redness, hyperpigmentations, and also it is good for acne marks and scars. So it is a kind of vitamin B3. But this serum, there is first thing which is really bad about this serum is there is no percentage given, because generally niacinamide jaise ingredient ke liye percentage diya hota hai ki isme itna percentage of niacinamide hai, isme wo percentage disclose nahi kiya gaya hai. And apart from that, jab maine is serum ko use kiya, ye kafi sticky sa hai, main face pe lagati hu to ye thoda chipchipa feel hota hai, and that is completely fine, mujhe usse koi problem nahi hai. But mujhe ये प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद अपने एक्ने मार्क्स पे या फिर अपने ब्रेकआउट्स पे कोई भी असर नहीं दिखा कि मेरा ब्रेकआउट्स नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी वैसा इफेक्ट नहीं दिखा. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी एवरेज काइंड ऑफ सीरम. ये इफ आई हैव टू सजेस्ट एनी नियासिनमाइड सीरम देन आई वुड सजेस्ट दिस वन विच इज़ डर्माको 10% नियासिनमाइड सीरम फॉर एक्ने मार्क्स. सो इसको यूज़ करने के बाद मेरा थोड़ा बहुत ब्रेकआउट्स कम हुआ है, और रेगुलर यूज़ से मेरा हल्का मार्क्स जो यहाँ पे था वो थोड़ा कम हुआ है. लाइक पूरा कम नहीं हुआ है, बहुत ही कम डिफरेंस दिखेगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत विजिबल है, बट अगर आप कंटिन्यूअस यूज करोगे तो आपको पता चलेगा. सो इफ यू हैव टू गो फॉर एन अफोर्डेबल ऑप्शन यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई, एंड आई डोंट थिंक सो दिस विल डू एनीथिंग फॉर यू. सो द फोर्थ प्रोडक्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट फॉर दिस वीडियो इज दिस बॉडी स्क्रब फ्रॉम ममा अर्थ. इट इज ओप्टन बॉडी स्क्रब. सो मैं जनरली एम कैफिन का बॉडी स्क्रब यूज करती थी एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा था. सो मैंने बस चेंज के लिए ये वाला यूज किया, एंड ये क्रीमी टेक्सचर का है. सो मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है बिकॉज मुझे जल्दी ख़त्म करना था. इसको लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट फील होता है अपना स्किन, एंड दैट्स इट. ये मेरा हाइपर पिगमेंटेशन या फिर टैनिंग में कोई भी हेल्प नहीं किया, एंड ऑल्सो मुझे इनग्रोथ हेयर के लिए चाहिए था और ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा था इनग्रोथ हेयर को लाइक एक्सफोलिएट करने में. इफ आई हैव टू कंपेयर विद एम कैफिन वन इज वे बेटर देन दिस वन. सो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ बॉडी स्क्रब, गो फॉर एम कैफिन वन, एंड आई डिडंट लाइक दिस दैट मच. So yeah guys, that's it for this video. I hope you enjoyed this video. Do check out all my previous videos, and also comment if you have used any of these products. Share your experience in the comment section. Yeah, I will see you in my next video. Don't forget to like, subscribe, and share. Until then, bye.